हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा शॉर्ट हैंड क्लासेस में, जहाँ पर मैं आपके लिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि रिसेंट स्टेनोग्राफर से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती ना इन एनी स्टेट ऑल ओवर इंडिया, कोशिश करती हूँ कि आपको उसकी अपडेट प्रोवाइड करूँ। तो प्लीज अगर वो अपडेट्स और ये चैनल आपको पसंद करता है आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको कुछ आउटलाइंस बताई हैं, आपको पूरा आउटलाइन चार्ट एक्सप्लेन किया है। आज हम बुक से रिलेटेड सेकेंड एक्सरसाइज पर वर्क करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी बुक में, ये एक्सरसाइज टोटली आपकी आउटलाइन प्रैक्टिस पर डिपेंड है कि कैसे आउटलाइन को ड्रॉ करना है, लाइट और डार्क कैसे बनाना है। तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है, तो उसको देखना है बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको लाइन कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज का जो वीडियो है ये सेकेंड एक्सरसाइज पे रिलेट करता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप आउटलाइंस को कैसे डिफाइन करें। ठीक है, कोशिश करूंगी कि आप आउटलाइन को समझें और उसको उसका कंसेप्ट फॉलो करें, ताकि आपको चीजों को रटना ना पड़े। ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ, बार बार एक तरह से रिकॉल कराती हूँ कि चीजों को समझ के पढ़िए, ना कि रट के। समझा हुआ लॉन्ग लास्टिंग होता है, रटा हुआ उसी टाइम के लिए होता है। तो कोशिश कीजिए कि चीजों को समझें, पढ़ें, फिर बनाएं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट ऑफ टाइम वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। सो देखिए एक्सरसाइज सेकेंड, यहां पर फर्स्ट लाइन जो है आपको वो एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, बेसिकली आउटलाइन डिफाइन है और उन आउटलाइन के बिहाव पर आपको शॉर्ट हैंड को बनाना होता है। एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप एक्सरसाइज लें करें, तो उस कंडीशन में आप ये ध्यान रखें कि अगर कोई सिंबलिक फॉर्म में एक्सरसाइज है, ठीक है, तो आप उसको पहले शॉर्ट हैंड में ना लिखकर हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, बिकॉज मेरा हिंदी शॉर्ट हैंड का भी चैनल है, तो कुछ वर्ड रिपीट हो जा रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। बट अब जो भी शॉर्ट हैंड है, अगर वो सिंबल्स में है, तो आप पहले उसको शॉर्ट हैंड में लिखें, ठीक है, और अगर वो शॉर्ट हैंड में है तो आप उसको हिंदी में या इंग्लिश में लिखें, जो भी शॉर्ट हैंड आप यूज करते हैं उस शॉर्ट हैंड के अकॉर्डिंग। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको वो एक्सरसाइज डबल प्रैक्टिस्ड हो जाएंगी, और वो जो आउटलाइन आप बना रहे होंगे वो आपके माइंड में स्ट्रांग ट्रेस हो जाएगी, क्योंकि आपका लॉजिक भी यही है ना एक्सरसाइजेस करने का, कि आपको हर कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि हर आउटलाइन की प्रैक्टिस भी प्रॉपर मोड में मैनेज हो। तो कोई भी जो सिंबलिक फॉर्म में एक्सरसाइज होगी, फर्स्ट यू विल एक्सप्लेन इट इन योर नोटबुक विद कॉन्सोनेंट्स, आइदर दे आर इन हिंदी और इन इंग्लिश। आफ्टर दैट आप उसको फिर से शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब आप आउटलाइन बना रहे होंगे तो आपके माइंड पे डबल स्ट्रेस जाएगा, और वो चीज जो आउटलाइन निकल के आएगी वो डबल इम्पैक्ट होगा उसका। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। अब देखिए, जो टाइप्ड मैटर होता है उसमें लाइट और डार्क डिफाइन करना थोड़ा टफ होता है, तो हम क्या करते हैं, आगे पीछे के जो वर्ड्स होते हैं उनको देखकर, उनको समझकर हम आउटलाइन को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो जैसे पहली जो ये आउटलाइन है, ये बुक में भी आपके एक्सप्लेन हो रखी है, दैट इज पी। तो मैं एक लाइन खींच देती हूँ, पी। पी कैसा है, लाइट कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और किस तरह से बना है, इस तरह से बना है। इसके बाद है बी, जो एक हैवी कॉन्सोनेंट है। आप जब पेंसिल से लिखेंगे तो लाइट और डार्क डिफाइन करना जरूर याद रखिए। आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अभी इन द स्टेज ऑफ योर बिगिनिंग शॉर्ट हैंड आप अपने लेटर्स को एग्जामिन नहीं कर पाएंगे, आप डिटरमिन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा लेटर किस फॉर्मेट में है। तो कोशिश कीजिए कि हर आउटलाइन को जिस फॉर्मेट में है, आइदर इट इज लाइट और डार्क, उसी फॉर्मेट में आप उसे मैनेज करिए। ठीक है, तो पी बी टी लाइट, पेंसिल को हल्के हाथ से पकड़ेंगे, डार्क स्ट्रोक में उसको थोड़ा नीचे दबा देंगे, तो टी एंड डी। ठीक है, इसके बाद है आपका चे और जे। आपको हो सक, क्योंकि मैं मार्कर से लिख रही हूं तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आपको लाइट और डार्क समझ में नहीं आ रहा होगा, बट यहाँ पर पेंसिल से लिख नहीं सकती हूँ मैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप लाइट और डार्क हाथ से डिफाइन कीजिए। आपको पेंसिल कैसे पकड़नी है, कैसे यूज करनी है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो उस रूल को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो टी डी के ऑन द लाइन गे डार्क, के गे लाइन की लेंथ ऑलरेडी मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है, आपको उसमें डिफाइन हो गई होगी, उसी लेंथ एंड विड्थ के अकॉर्डिंग आप लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट W, Y, H, दो होते हैं एस्पिरेट फॉर्म में, R, तो क्या है W, Y, H, H, R, ये आपकी फर्स्ट लाइन के वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताया और ऑलरेडी एक्सप्लेन है। अब जो मेन आता है वो है हमारी सेकेंड लाइन, उसको देखते हैं हम वो कैसे बनेगी। हर लेटर एट प्रेजेंट आपको लाइन को डिफाइन करते हुए ही बनाना है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए क्या आ रहा है, ये बना है। अब आप कैसे समझोगे कि ये कौन सा लेटर, क्योंकि अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, तो उस कंडीशन में ये जो लेटर आ रहा है ये कौन सा था, आपका चार्ट का याद करते हैं, छोटा सा ही बनाती हूँ, ये वाला था और ये थर्ड चार्ट था, तो ये क्या था, आर, तो हमने बना दिया आर। इसके बाद पी, शब्द का फ्लो और उसका एंगल आपको बहुत कुछ डिफाइन करा देता है कि वो लेटर क्या है और किस तरह से बन रहा है, उसका रोल क्या है, ठीक है। इसके बाद आपका लेटर आता है एच, जो कि अपवर्ड है, एच। देन डी, देन अगेन एच। शब्द के अगर चार्ट को याद करेंगे तो आपको लेटर्स को ड्रॉ करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, बट उसके लिए चार्ट का याद होना जरूरी है। वाई, अब मैं कैसे कह रही हूं आपको, ये आपकी बुक में ये सेकेंड एक्सरसाइज सिंबलिक फॉर्म में है, तो हम पहले इसको सिंबल में बना देते हैं, ठीक है। क्या है, टी, जे, आर, ठीक, के, जे, गे। अब हम इनको कन्वर्ट कर देंगे, टी, जे, आर, के, लाइन पर आएगा के, जे, गे, इजी हो गया ना, और लेटर्स भी याद हो गए, तो ये चीज फॉलो कीजिएगा। थर्ड लाइन देखते हैं, थर्ड लाइन में देखिए क्या है, एफ, वी, ठीक है। इसके बाद आपका लेटर आ रहा है इथ, दी। पहले मैं लेटर्स सारे बना दे रही हूं, आफ्टर दैट मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, ताकि आप कंसेप्ट समझ जाएं। तो हम यहां पर लिखा एस जेड, एस एच जेड एच। इसके बाद है आपका एम, एन और एन जी, ये साथ में ही लिखेंगे। इसके बाद हमारा आता है एल और आर, अब इन लेटर्स को बनाएंगे, एस जेड, एस एच, जेड एच, एम, एन, एन जी डार्क, एल और आर। अब ये आर आपका जो लिखा हुआ है ये डाउनवर्ड है, नीचे को आ रहा है, इस तरह से इसको बनाएंगे। फोर्थ लाइन देखते हैं हम, ठीक है। फोर्थ लाइन में देखिए क्या है, लेटर है आपका आर, इसके बाद एम, एल, एफ, सॉरी वी है, ये थोड़ा सा डार्क है, ये एल, वी, इथ, इथ के बाद है आपका एन जी, नेक्स्ट है आपका एस, देन एम, देन आपका लेटर आ रहा है डी, इसके बाद आ रहा है जेड एच, डार्क है जो कि, इसके बाद आपका आ रहा है एफ, एफ, द नेक्स्ट वन इज एस एच एंड जेड। अब फटाफट से इनके लेटर्स बनाते हैं, तो आर, एम, एल, वी, इथ, एन जी, एस, एम, डार्क, इथ, जेड एच डार्क, एफ लाइट, एस एच लाइट और जेड डार्क, ठीक है। तो इस तरह से ये लेटर्स हमने बनाए। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ लाइन में हमने क्या बनाया है, यहां पर देखिए, बी, इथ, V, it, R, M, D, J, R, S, light है ना, इसलिए S है वो, N, S, H, Z, T, and K। अब इनके letters जल्दी से देखते हैं, B, it,
आर कौन सा था हमारा अपवर्ड था, आर एम डी जे, ठीक है। अब यहां पर आर हम डाउनवर्ड बना देते हैं, एस एन एस एच एस एच जेड टी गे, ठीक है। इस तरह से ये बन गए। इसके बाद आपका सिक्स्थ लाइन आती है और इसी फॉर्मेट से अगर आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी लेंगे तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड होगा। ये बात आप खुद से ही देख लेंगे, अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो लाइन का इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। सिक्स लाइन में देखिए, पी गे एच एफ डब्लू चे, ये सी एच साथ में ही आता है और प्रोनंशिएट होता है चे, इसको सी नहीं बोलेंगे चे बोलेंगे, चे एच गे वाई एन डब्लू, इसके बाद आता है के और टी। सेवेंथ लाइन भी देख लेते हैं, उसके बाद ये सारी आउटलाइन एक्सप्लेन कर दूंगी। और एट लाइन तक है आपका कंसेप्ट। तो जो लेटर आते हैं पहले उनको देख लेते हैं हम। द लेटर इज एस एच एफ एस इथ, फ्लो को समझिए फिर बनाइए, ठीक है। एम एन, अब एक एफ है और एक एस एच है क्योंकि उसका फ्लो इस तरह से, इवन वी है और जेड एच है, थोड़ा डार्क है ना हमारा ये कॉन्सोनेंट, हमें लाइट और डार्क आगे पीछे से देख के ही पता चलेंगे। इसके बाद वी जेड एन जी, आफ्टर दैट एल और आर, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज टी गे डी के P, J, B, J, H, H again, W Y R. अब इन लेटर्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं शॉर्ट हैंड में, तो कैसे बनेंगे, P, G, H, F, W, J, G, Y, N, W, K, T, कुछ इस तरह से बनेंगे। आफ्टर दैट एस एच लाइट है, एफ लाइट है, एस लाइट है, इथ लाइट है, एम एन लाइट है, यहाँ पर वी डार्क है, जेड एच डार्क है, इथ डार्क है, जेड डार्क है, एन जी डार्क है, एल और आर दोनों ही बना दे रही हूं मैं, ठीक है। इसके बाद टी लाइट है, जी डार्क है, ई डार्क है, ए डार्क है, पी जे बी जे एच बोथ, डब्लू वाई सॉरी आर, दोनों फॉर्मेट बनाए हैं मैंने आर के। तो इस तरह से ये आपकी सेकेंड एक्सरसाइज है जो हमने वर्क में ली। अब आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि पहले जो भी आपकी एक्सरसाइज होती है अगर सिंबल्स में है तो उनको पहले स्पेल में कन्वर्ट कीजिए। स्पेल में कन्वर्ट करने के बाद में अगेन जैसे मैंने आपको नीचे बताया ना, आप उनको अगेन सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आउटलाइन इजी हो, समझने में आसान हो और आप जल्दी से उनको बना पाए। हो सकता है आपको टाइम लगे उनको एक्सप्लेन करने में, बट ये टाइम आपके फ्यूचर के लिए बहुत प्लस साबित होगा, बिकॉज जब आप इस फॉर्मेट से बनाएंगे तो आउटलाइन का इम्पैक्ट बहुत सॉलिड होने वाला है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए इसको इस फॉर्मेट से बनाएं और समझ के बनाएं। अभी स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझना जरूरी है, ना कि उसको आगे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना। किसी भी कॉन्सोनेंट में कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको समझिए फिर उसको बनाइए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे और लेटर्स का कंसेप्ट क्लियर रहे। तो होप ये आउटलाइन आपको समझ में आई होंगी पिछले बताए हुए चार्ट्स के अकॉर्डिंग। अगर ये आउटलाइन का कंसेप्ट आपको क्लियर होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई कंफ्यूजन होता है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हिंदी से रिलेटेड पीडीएफ अवेलेबल है ही, जल्द ही इंग्लिश से रिलेटेड पीडीएफ
भी अवेलेबल कराऊंगी। तो होप इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर होता है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग, हैव अ गुड डे।